हाथों में मटके लिए ये महिलाएं किसी पानी के टैंकर का इंतजार नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं पानी ना मिलने पर महिलाओं के प्रदर्शन की। तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले की, जहां पर सोपोर में हरितारा गांव की महिलाओं ने पानी की भारी कमी के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सोपोर हाजिन रोड पर जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले 4 दिनों से पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, रोजमर्रा के काम के लिए भी हमारे पास पानी नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि 21वीं सदी में रहने के बावजूद उनके इलाके में पानी जैसी जरूरी सेवाओं की अभी भी कमी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव के मौसम में नेता वोट के लिए हमारे गाँव में आते हैं, लेकिन उसके बाद वे कभी नहीं लौटते। हमने अब उन्हें वोट ना देने का फैसला किया है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं या लोगों को इसी तरह पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफताब अहमद की रिपोर्ट। हाथों में मटके लिए ये महिलाएं किसी पानी के टैंकर का इंतजार नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं पानी ना मिलने पर महिलाओं के प्रदर्शन की। तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले की, जहां पर सोपोर में हरितारा गांव की महिलाओं ने पानी की भारी कमी के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सोपोर हाजिन रोड पर जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले 4 दिनों से पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, रोजमर्रा के काम के लिए भी हमारे पास पानी नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि 21वीं सदी में रहने के बावजूद उनके इलाके में पानी जैसी जरूरी सेवाओं की अभी भी कमी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव के मौसम में नेता वोट के लिए हमारे गाँव में आते हैं, लेकिन उसके बाद वे कभी नहीं लौटते। हमने अब उन्हें वोट ना देने का फैसला किया है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं या लोगों को इसी तरह पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफताब अहमद की रिपोर्ट। हाथों में मटके लिए ये महिलाएं किसी पानी के टैंकर का इंतजार नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं पानी ना मिलने पर महिलाओं के प्रदर्शन की। तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले की, जहां पर सोपोर में हरितारा गांव की महिलाओं ने पानी की भारी कमी के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सोपोर हाजिन रोड पर जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले 4 दिनों से पीने के पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, रोजमर्रा के काम के लिए भी हमारे पास पानी नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया और बताया कि 21वीं सदी में रहने के बावजूद उनके इलाके में पानी जैसी जरूरी सेवाओं की अभी भी कमी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव के मौसम में नेता वोट के लिए हमारे गाँव में आते हैं, लेकिन उसके बाद वे कभी नहीं लौटते। हमने अब उन्हें वोट ना देने का फैसला किया है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं या लोगों को इसी तरह पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफताब अहमद की रिपोर्ट। सूर्य समाचार के लिए